टाटा आईपीएल 2022 में काफी फेरबदल हुआ है, जहां पे मेगा ऑक्शन के चलते काफी खिलाड़ी अपनी पुरानी टीमों को छोड़ के किसी नई टीम का हिस्सा बने हैं, जहां हमने देखा है कि उमेश यादव एक बार फिर से हिस्सा बने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का। पहले भी खेलते थे केकेआर के लिए, लेकिन बीच में कुछ सीजन जब शायद 2016 से आ गए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में, लेकिन अब फिर से उमेश यादव खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए, जहां आज खेलते हुए अपनी पुरानी टीम आरसीबी के सामने उन्होंने किया है बढ़िया प्रदर्शन। इससे पहले बता दें, विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी के लिए खेलते थे उमेश यादव, लेकिन आज जब खेल रहे हैं अपनी पुरानी टीम आरसीबी के सामने पहले बल्ले के साथ, जब केकेआर की नैया काफ़ी मजेदार में फंसी हुई थी वहां से उन्हें बाहर निकाला, 12 गेंदों में 18 रन बनाए, जहां पे 2 चौके एक बड़ा छक्का था शामिल, आकाशदीप को एक छक्का लगाया था उन्होंने पारी के 19वें ओवर में, और देखा जाए उमेश यादव ने गेंद के साथ भी किया है बढ़िया कार्य। शुरुआत कर रहे थे गेंदबाजी केकेआर के लिए एक छोटे टोटल को डिफेंड करने का कार्य है आज केकेआर के गेंदबाजों के ऊपर, जहां देखा जाए पहले ही ओवर में अनुज रावत को बाहर भेजा उमेश यादव ने, जहां बढ़िया कैच पकड़ा था विकेट्स के पीछे शेल्डन जैक्सन ने। यही नहीं रुके मात्र उमेश यादव, बात की जाए तो उसके बाद जब अपना अगला ओवर डालने आए, उसकी पहली ही गेंद पे अपने आरसीबी के कैप्टन, अपने आरसीबी के फॉर्मर कैप्टन यानी कि विराट कोहली को चलता किया। किसी भी गेंदबाज के लिए विराट कोहली को आउट करना बहुत बड़ी बात होती है, और वैसा ही करके दिखाया आज यहाँ पे उमेश यादव ने। उस गेंद पे भी भारी किनारा लगा था, विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन ने बढ़िया कैच पकड़ा। देखना होगा बचे हुए मुकाबले में उमेश यादव किस तरह से करते हैं गेंदबाजी। पहले मुकाबले में केकेआर के लिए मैन ऑफ द मैच थे, 3 सफलताएं ली थी और अब 2 सफलताएं ली हैं, इसके चलते अब वो हो चुके हैं पर्पल कैप के होल्डर भी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए उमेश यादव का केकेआर में आना कितना बेनिफिशियल है केकेआर के लिए। क्रिकेट इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।